गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वर्ग 17 का ये हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसका विरचन। आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से करवाइए। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया आपको किससे करवानी है? सोडियम क्लोराइड से। तो ये बनेगा Na2SO4+HCl। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड से करवाने पर सोडियम सल्फेट और क्या प्राप्त हो रहा है बताइए आप? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात करें इसकी भौतिक गुणों के बारे में, HCl के जो भौतिक गुण हैं उनमें HCl एक रंगहीन और तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसी गैस है? रंगहीन और तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है। ठोस अवस्था में ये श्वेत रंग की होती है और जैसे ये द्रव हो जाती है द्रव अवस्था में, तब ये रंगहीन होती है। जल में बहुत अधिक विलेय होती है। ये इसके कुछ भौतिक गुणधर्म थे जिनको हमने पढ़ा है। हम लिख भी सकते हैं क्या है ये, रंगहीन है लेकिन गंध कैसी है? तीक्ष्ण। जल में क्या है ये? विलेय। ठीक है, इसके अलावा भी इसकी जो रंग की बात आती है, तो जब ये ठोस अवस्था में होती है तो इसका रंग कैसा होता है? श्वेत। और जब ये द्रव अवस्था में होती है तो इसका कोई रंग नहीं होता। ओके, तो ये इसके कुछ भौतिक गुणधर्म थे। बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैसे गुण? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों में फर्स्ट हमारे पास है HCl के कैसे गुण पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में प्रथम लेंगे हम H2O से क्रिया। जब हम HCl को जल में घोलेंगे तो HCl का जलीय विलयन बनेगा और HCl के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। HCl के जलीय विलयन को ही क्या कहा जाता है बताइए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl जब किससे रिएक्शन करेगा? जल से। तो ये H+ आयन दे देगा। HCl क्या दे देगा? H+ आयन। और H2O जो है उस H+ आयन को ग्रहण कर लेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन में। इसलिए HCl का जो जलीय विलयन होता है वो क्या कहलाता है बताइए? कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। क्रिया हम अमोनिया से भी करवा सकते हैं। अमोनिया से क्रिया, जब हम अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे किसकी? HCl। अमोनिया कैसी प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। HCl कैसी प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की। तो क्या बनेगा? अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो ये बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिसको मैं एक नाम और भी क्या बोल सकता हूँ? नौसादा। ओके, तो ये अमोनिया से क्रिया थी। थर्ड नंबर,
अक्रिय धातु से क्रिया, अक्रिय धातु से क्रिया। अक्रिय धातु में कौन कौन सी धातुएं आती हैं? सोना, प्लेटिनम। तो देखिए आप सांद्र एचसीएल के कितने भाग लीजिए? तीन भाग, तीन गुना तो क्या लीजिए आप सांद्र एचसीएल प्लस सांद्र एचएनओसी लीजिए आप एक भाग। सांद्र एचसीएल तो तीन भाग, सांद्र एचएनओ थ्री एक भाग, इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा? एक्वारेजिया। क्या कहलाएगा? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, जिसका एक नाम और भी है जिसको क्या कहते हैं बताइए? अम्लराज। क्या कहते हैं इसको? अम्लराज। और इस एक्वारेजिया के मिश्रण में, अम्लराज के मिश्रण में जब आप सोना और प्लेटिनम को डुबोते हैं तो ये उन धातुओं से क्रिया कर लेता है, उनको घोल लेता है, उनके वेट में कमी आ जाती है। किस तरह की क्रिया होती है ये अभी अपन पढ़ेंगे। देखिए जब ये मिश्रण बनाया जाता है तो होता क्या है, इस क्रिया में, कौन सी क्रिया में, जब आप सांद्र एचसीएल के तीन भाग लेंगे, सांद्र एचएनओ3 का एक भाग लेंगे और क्या बनाएंगे? एक्वारेजिया का मिश्रण बनाएंगे। ये किस प्रकार क्रिया करता है, किस प्रकार ये सोना व प्लेटिनम धातु को घोलता है वो अपन पढ़ने वाले हैं। इस क्रिया में होता है क्या, देखिए जो एचएनओ3 है वो तो क्या कर देता है, ऑक्सीकरण। HNO3 का तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और जो HCl है उसका फिर हम क्या करेंगे अब से? तो सांद्र HNO3 जो है वो क्या कर देता है? ऑक्सीकरण। किसका? HCl का। तो क्या कहलाएगा फिर ये? तो किसकी जगह काम करेगा? ये तो काम करेगा किसका? ऑक्सीकारक का। तो इस मिश्रण में जो HNO3 है वो ऑक्सीकरण करता है किसका? HCl का। जब वो ऑक्सीकरण करता है HCl का तो स्वयं का क्या होगा? अपचयन। तो सांद्र HCl का तो क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। सांद्र HNO3 का क्या हो जाता है? अपचयन। दूसरे शब्दों में कहूं तो कैसे कहूं, सांद्र HNO3 HCl का ऑक्सीकरण करता है तो खुद क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। तो सांद्र HNO3 तो ऑक्सीकारक है और सांद्र HCl इसमें क्या है? अपचायक है। ओके, रिएक्शन देखिए आप। जब आप HNO3 प्लस HCl की रिएक्शन करवाते हैं, HNO3 और HCl की क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है NOCl। नाम देखिए इसका, नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस H2 प्लस, यहां से क्या उत्पन्न होता है? नवजात क्लोरीन। नवजात क्लोरीन यहां से क्या होती है? उत्पन्न होती है साहब। नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है और नवजात क्लोरीन यहां से उत्पन्न होती है। इस नवजात क्लोरीन को यही वास्तव में किससे क्रिया करती है? अक्रिय धातुओं से। किस तरह? मान लीजिए अक्रिय धातु मैंने ले ली सोना, गोल्ड। इस समय कैसी ऑक्सीकरण अवस्था में है? जीरो प्लस। ये नवजात ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, बैलेंस नहीं करूंगा मैं समीकरण को और क्या बन जाएगा? ओरिक क्लोराइड। तो यौगिक बन गया जबकि धातु कैसी थी? अक्रिय। तो इस तरह रासायनिक गुणों में ये वाला इंपॉर्टेंट है कि सांद्र HCl के तीन भाग, सांद्र HNO3 का एक भाग मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं जिसका नाम क्या है? एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया में सांद्र HNO3
ऑक्सीकारक होता है, एक्सियल अपचायक होता है। कहने का मतलब सांद्र HNO3 का स्वयं का अपचयन होता है और सांद्र HCl का स्वयं का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ओके, जो हमने रिएक्शन लिखी है उसमें लिखा है कि जब दोनों की परस्पर रिएक्शन होती है तो वहां से नवजात क्लोरीन उत्पन्न होती है और वो नवजात क्लोरीन जो है उस अक्रिय धातु का क्या कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है। इसके बात करें इसके उपयोगों के बारे में, सांद्र HCl के या कंसंट्रेट हो डाइल्यूट हो, HCl का मुख्य उपयोग क्या है? एक तो क्लोरीन गैस के निर्माण में यूज होता है, एक्वारेजिया के निर्माण में बहुत अच्छा उपयोग है एक्वारेजिया के निर्माण में। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, इस वर्ग 17 का, और वो है हेलोजन के ऑक्सी अम्ल। हमने वर्ग 15 के ऑक्सी अम्ल पढ़े थे, वर्ग 16 के ऑक्सी अम्ल पढ़े थे, सेम उसी की तर्ज पर हम वर्ग 17 के ऑक्सी अम्लों को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको एक पैटर्न ध्यान में रखना है कि किस प्रकार ऑक्सीजन अवस्था चेंज हो रही है, उनके नाम याद रखने हैं, उनकी ऑक्सीजन अवस्था याद रखनी है और उनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हेलोजन के ऑक्सियम, हेलोजन के ऑक्सियम, देखिए इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि फ्लोरीन का आकार, फ्लोरीन का आकार हेलोजनों में सबसे छोटा होता है, फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है, उसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, इसलिए वो बहुत कम ऑक्सीअम्ल का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। क्यों? उसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है हेलोजनों में। ठीक है, तो इसलिए फिर भी फ्लोरीन एक ऑक्सीअम्ल बनाता है, HOF, हाइपोफ्लोरस अम्ल, उसके अलावा फ्लोरीन का कोई ऑक्सी अम्ल नहीं होता। तो हम ऑक्सी अम्लों में क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की बात करेंगे, बात हम और की भी कर सकते हैं, पर क्लोरीन जो है वो सभी प्रकार के क्या बनाता है, ऑक्सी अम्ल। फ्लोरीन कितने ऑक्सी अम्ल बनाता है? एक प्रकार का ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो बात करें हम क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की, बात करें तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, हाइपो क्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, सूत्र हो जाएगा HOCl। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं HCl, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, स्ट्रक्चर में एक साथ बना दूंगा सभी की। दूसरा हो जाएगा, सूत्र देखिए आप, HClO2, सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है, तो क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल HClO2, क्लोरिक अम्ल, ये हो जाएगा क्लोरिक अम्ल, HClO3 और फोर हो जाएगा पर क्लोरिक अम्ल, ये हो जाएगा पर क्लोरिक अम्ल HClO4। सारे सूत्र कंटिन्यूस याद हो सकते हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ओके, बात करें इस स्ट्रक्चर की, इससे पहले मैं इनकी ऑक्सीजन अवस्था को डिस्कस कर लूं। देखिए आपको पता है हेलोजन के ऑक्सी अम्लों में हेलोजन धनात्मक ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, तो आप देखिए HClO में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, HClO में याद कीजिए, पहले आप H के लिए प्लस वन, Cl के लिए आप x मानिए, ऑक्सीजन के लिए माइनस दो इजिकल टू जीरो, तो x की वैल्यू जो है
वो कितनी आ जाएगी प्लस वन। तो हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीजनावस्था जो है वो कितनी है प्लस वन। इसी तरह बात करें हम HClO2 की तो प्लस वन Cl के लिए आप x मान लीजिए, एक ऑक्सीजन के लिए माइनस दो, दो के लिए माइनस चार, माइनस चार इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस थ्री। तो HClO2 में कैसी ऑक्सीजन अवस्था है क्लोरीन की प्लस थ्री, HClO3 में कैसी ऑक्सीजन अवस्था है प्लस पांच, और HClO4 में कैसी ऑक्सीजन अवस्था है प्लस सात। ओके अब मैं बात करूंगा इनकी संरचना की। आप एक संरचना बना लीजिए, सबसे पहले मैं बना रहा हूं HClO। तो देखिए क्लोरीन पर अभी भी छह इलेक्ट्रॉन पड़े, ऑक्सीजन पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े। अब यदि मैं इस संरचना के अकॉर्डिंग किसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, HClO2 की स्ट्रक्चर बनाऊं, तो आपको चेंज क्या करना है, सिर्फ एक ऑक्सीजन चेंज करना है जो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन की एक ऑक्सीजन और ऐड करना है आपको, और कोई इसमें चेंज नहीं है। ये लीजिए एक और ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। HClO3 में क्या होता है, एक और ऑक्सीजन जोड़ना है आपको, तो ये लीजिए एक दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है इसलिए। और इसी की तर्ज पर आपको HClO4 की स्ट्रक्चर चाहिए, तो एक दो तीन और ये चार, ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई HClO4 की। तो इनके नाम, इनमें क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था और इनकी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह हमने वर्ग 17 को कंप्लीट कर लिया। वर्ग 18 हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो शॉर्टकट दे रखा है। वर्ग 18 जो है वो रीजन वाले प्रश्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन वाले प्रश्न के लिए बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। वर्ग 18 के तत्व आप लोग जानते हैं, जिनको हम उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी बोलते हैं, अक्रिय तत्व भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ग 18 के जो तत्व हैं उनके नाम, उनके प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, उनके भायतन कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिस्कस करूंगा। ओके तो सबसे पहले देखिए आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये तो इनके नाम हो गए। इनके प्रतीक क्या होंगे, हीलियम HE, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये इनके प्रतीक हो गए सब। परमाणु क्रमांक की बात करें तो नंबर दो पर आठ जोड़ दीजिए, दस फिर आठ जोड़िए अठारह, फिर अठारह जोड़िए छत्तीस, फिर अठारह जोड़िए चौवन, फिर बत्तीस जोड़िए छियासी, ये इनके क्या हो गए परमाणु क्रमांक। देखिए वर्ग 18 के तत्वों के भायतन कोष का जो विन्यास होता है वो होता है साहब NS2NP6। यहां से आप इनका ये भायतन कोष का विन्यास याद रखें NS2NP6। अब NS2NP6 में देखिए क्या रहेगा, क्योंकि हमने वर्ग पी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था भायतन कोष का, वो क्या लिखा था NS2NP126 NP126। तो 1 से लेकर 6 तक क्या होता, वेरी हो रहा था, चेंज हो रहा था। अब लास्ट हमारा वर्ग 18 है,
तो लास्ट विन्यास क्या रहेगा हमारे पास NH2NP6। तो सिर्फ N की वैल्यू हमारे पास चेंज होगी, बाकी जो है वो S में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और P में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बोलिए 6। तो यदि मैं हीलियम का विन्यास लिखूं 1s2 यह अपवाद है, ठीक है। उसके बाद नियोन 10 नंबर आ रहा है, 2s2 2p6 बाय कंपोज का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं। आर्गन का क्या होगा, सिर्फ एन की वैल्यू चेंज करनी है आपको, 3s2 3p6 4s2 4p6 बाय कंपोज का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं अपन, 5s2 5p6 6s2 6p6। ये इनके क्या हो गए बायोकंपोज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात जहां तक अपन इनकी उपलब्धता की करें तो वायुमंडल में उत्कृष्ट गैसें जो है वो 1% है, और 1% में भी मैक्सिमम जो है वो ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। अब हम इनके भौतिक गुणों की बात करेंगे, तो हमें इन तत्वों के प्रतीक एक बार यही रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन छुपा रहे हैं, ये आपके पास तत्व है। कुछ इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, और पहली विशेषता अपन पढ़ेंगे इनकी परमाणु आकार। इनकी फर्स्ट विशेषता देखिए, परमाणु आकार हीलियम से लेकर रेडॉन तक जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो परमाणु आकार बढ़ेगा। इसमें कोई दोराय नहीं है, हम पढ़ते आए हैं। वर्ग 18 के तत्वों का जो आकार है अपने अपने आप में सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि साहब जो वर्ग 18 के तत्व है वो अक्रिय होते हैं, बंद नहीं बनाते हैं, ये एकल परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? ये एकल परमाणु है, और एक परमाणु होने के कारण जब इनकी त्रिज्या का जो मापन होता है वो होता है वान डर वाल त्रिज्या। वर्ग 17 तक के जो तत्व थे उनके लिए हम सहसंयोजक त्रिज्या मापते हैं, आयनिक त्रिज्या मापते हैं, धात्विक त्रिज्या मापते हैं, लेकिन जो वर्ग 18 के तत्व हैं उनके लिए हम वान डर वाल त्रिज्या मापते हैं। और वान डर वाल त्रिज्या जो है और सभी प्रकार की त्रिज्याओं से क्या होती है? बड़ी होती है। इसलिए वर्ग 18 के तत्वों का जो परमाणु आकार है वो अपने अपने आवर्त में क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। सीधी सी बात मान लीजिए, वर्ग 18 के तत्वों में जब हम आकार की बात करेंगे तो कहीं डिवाइडेशन नहीं देंगे, परमाणु के बाह्यतम कोष से नाभिक की सीधी दूरी पर मापते हैं। तो वान डर वाल त्रिज्या मापते हैं किसके लिए? वर्ग 18 के लिए। और वान डर वाल त्रिज्या का मान और सभी प्रकार की त्रिज्याओं से अधिक होता है, इसलिए परमाणु आकार इन तत्वों का क्या होगा? बड़ा। ओके, तो परमाणु आकार जो है इनका क्या होता है? बड़ा। परमाणु आकार से संबंधित एक और विशेषता देखिए, और वो है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, बात करूं मैं आयनन ऊर्जा की, तो आयनन ऊर्जा में देखिए क्या है, परमाणु आकार जितना बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवक ऊर्जा उतनी कम होती है। तो वर्ग 18 के तत्वों का परमाणु आकार जब बहुत बड़ा है तो वर्ग 18 के तत्वों की आयन ऊर्जा क्या होनी चाहिए? बहुत कम। लेकिन ऐसा नहीं है। अपवाद प्रश्न सुनिए आप, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वर्ग 18 के तत्वों का जो परमाणु आकार है वो बहुत बड़ा होने के बाद भी आयन ऊर्जा का मान अधिक क्यों होता है? वो इसलिए होता है आयन ऊर्जा इनकी क्या होती है? उच्च, जबकि आकार भी बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि साहब इनके बाह्यतम कोष का विन्यास क्या है? NH2NP6, और बाह्यतम कोष में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 8। इन तत्वों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका अष्टक विन्यास होता है, और अष्टक विन्यास एक स्थायी विन्यास होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए वर्ग 18 के तत्वों का जो आयन ऊर्जा का मान है वो बहुत अधिक होता है आकार बड़ा होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उनका जो विन्यास होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, यही बात हम लागू करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता में। यही बात किसमें लागू करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन बंधुता में। बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है,
वही बात आ जाएगी। तो विन्यास कैसा है, NH2NP6 परमाणु बंद क्यों बनाते हैं, अपने बायोटम कोष का स्टक पूरा करने के लिए। तो जब इनका स्टक तो पहले से ही पूरा है तो इन्हें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो जब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं है फिर भी आप इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए वर्ग 18 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बद्धता के जो मान होते हैं आप ध्यान दीजिएगा वो होते हैं अत्यधिक धनात्मक। ये शब्द आपको समझना पड़ेगा। शब्द क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान अत्यधिक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। धनात्मक का मतलब तो क्या हुआ, ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण, मतलब ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। और अत्यधिक का मतलब क्या है, ज्यादा। तो अत्यधिक का मतलब तो ज्यादा, धनात्मक का मतलब क्या है, ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्यों, अगले को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं फिर भी आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे वर्ग 17 के तत्वों को बायोटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए, 1। उनको जब आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो आसानी से वो गण कर लेंगे, उष्मा में कमी आएगी। तो वो तो है अत्यधिक ऋणात्मक और यहाँ अत्यधिक धनात्मक। क्यों, क्योंकि विन्यास क्या होता है, स्थायी, को कोई इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, इसके बाद इनके भौतिक गुणों की बात करें तो हीलियम एक गैस है। हीलियम एक क्या है, गैस है। नियोन एक गैस है। ये सभी उत्कृष्ट गैसें जो हैं वो एकल परमाणवी होती है, कोई बंध नहीं बनाती, जल में कम घुलती हैं, रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं, स्वादहीन होती हैं और इनमें परस्पर कोई बंध नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये साहब, ये क्या होती हैं, एकल परमाणवी। जैसे कभी भी ऐसा नहीं होता Ne2 नहीं बनता कभी भी, इस तरह नहीं बनता कभी भी Hg2। आपने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था 11th में, ये बनते ही नहीं है, मतलब दो नियॉन परमाणुओं के बीच कोई बंध ही नहीं होता, बंध नहीं होता तो ये अकेले रहते हैं। इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये जो है वो एकल परमाणु होते हैं, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें होती हैं। इनके कुछ नाम हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा पहले। इनको एक तो क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसें। क्यों, क्योंकि उत्कृष्ट तत्व होते हैं, उत्कृष्ट धातुएं होती हैं कुछ, जैसे सोना, प्लेटिनम, वो भी क्रिया नहीं करती, वो क्रिया नहीं करती। तो ये तत्व भी उत्कृष्ट धातुओं की तरह क्रिया नहीं करते, इसलिए इनका नाम भी क्या निकाल दिया, उत्कृष्ट गैसें। चूंकि ये कम क्रियाशील होती हैं, बिल्कुल अक्रिय होते हैं, तो इनका नाम क्या निकाल दिया, अक्रिय तत्व। इनको दुर्लभ तत्व भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो आपसे एक नाम, इनको शून्य वर्ग का तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, शून्य वर्ग के तत्व। सबसे अच्छा नाम ये है, उत्कृष्ट गैसें नाम क्यों पड़ा इनका, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें जो हैं वो उत्कृष्ट धातुओं की तरह अक्रिय होती हैं, इसलिए नाम क्या रख दिया इनका, उत्कृष्ट गैसें। देखिए जब मैं ये कह रहा हूं तो ये तत्व अक्रिय होते हैं, ये तत्व क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, तो ये बंध नहीं बनाते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। फिर भी बाद में पता लगा कि जो जीनॉन है, जीनॉन, उसकी रिएक्शन यदि हम फ्लोरीन से करवाते हैं तो कुछ यौगिक बन सकते हैं। क्रिया किससे करवाएंगे, फ्लोरीन से, तो कुछ प्रकार के जो है वो यौगिक बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो अत्यधिक होती है, वो जीनॉन से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो जीनॉन के कुछ यौगिक हमें बाद में ज्ञात हुए कि जीनॉन जो है वो फ्लोरीन से क्रिया करके कुछ यौगिकों का निर्माण करता है जिन्हें हम जीनॉन फ्लोराइड यौगिक कहते हैं। ओके, और जीनॉन फ्लोराइड यौगिकों का निर्माण भी कुछ कंडीशंस में होता है, जैसे आप जीनॉन का मात्रा किस रूप में लेंगे, फ्लोराइड को किस मात्रा में लेंगे, क्या अनुपात होगा जीनॉन और फ्लोराइड के मध्य, इस बेस पर कुछ यौगिकों का निर्माण हुआ जिनको हम जीनॉन फ्लोराइड यौगिक कहते हैं। उत्कृष्ट गैसों में सिर्फ और सिर्फ जीनॉन के हम फ्लोराइड यौगिकों का डिस्कस करेंगे, जीनॉन के
ऑक्सीअम्ल कुछ हम डिस्कस करेंगे न कि ऐसा पढ़ेंगे कि वर्ग 18 के तत्वों के ऑक्सीअम्ल, हम सिर्फ किसके ऑक्सीअम्ल पढ़ेंगे, जीनोन के। कुछ रिएक्शन जो पढ़ेंगे, कुछ जो रासायनिक गुण पढ़ेंगे, वो भी ओनली किसके पढ़ेंगे, जीनोन के, क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन के हमें यौगिक ज्ञात नहीं हुए हैं। ओके, तो ये जीनोन के फ्लोराइड यौगिक, उनके ऑक्सीअम्ल और वर्ग 18 के तत्वों के जो उपयोग हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।